स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इजी लर्न। फ्रेंड्स, आज हम पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। सो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इन तक हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में आपको पैसिव वॉइस के रूल एंड ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले कि द यूज ऑफ द पैसिव वॉइस यानी फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और इसका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का, पास्ट इनडेफिनिट टेंस का मैंने अगले वीडियो में अपलोड कर दिया है, चाहे तो वहाँ पर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा आई शैल ईट फ्रूट्स यानी कि मैं फल खाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे आई, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि आई आपका सब्जेक्ट हो गया और शैल यानी कि ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया और ईट फ्रूट्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे और मेन वर्ब हमारा बीच में ही रहेगा। यानी कि ये हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे यानी कि यहाँ पर हो जाएगा फ्रूट्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रूट्स। फिर उसके बाद यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय फ्रेंड्स यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं उसी के अनुसार हम उसी के अनुसार हम सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका फ्रूट्स हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, यानी फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में विल, यानी एक वचन के लिए आपका एक सिंगुलर के लिए विल का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि विल यहाँ पर हो जाएगा फ्रूट्स विल बी। और फिर यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या है, यानी कि ईट का ईटन हो जाएगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ईटन बाई और आई को हम मी के अनुसार बदल देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा फ्रूट्स विल बी ईटन बाई मी, मैं फल इसका हो जाएगा आई शैल ईट फ्रूट्स यानी मैं फल खाऊंगा, यानी फ्रूट्स विल बी ईटन बाई मी यानी कि फल मेरे द्वारा खाए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कि सॉरी यहाँ पर गलती होगी, ये हमारा मेन वर्ब है यानी मेन वर्ब यानी वो ये है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, यू विल कॉन्ग्रेचुलेट मी यानी कि इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे यानी कि तुम मुझे बधाई दोगे, यानी कि यू विल कॉन्ग्रेचुलेट मी, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और विल ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिख लेंगे यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर मी को हम आई में चेंज करेंगे यानी कि यहाँ पर आई हो गया। और पैसिव वॉइस में ये होता है फ्रेंड्स कि जिस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेंगे उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि आई के साथ हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, शैल बी, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा शैल बी और फिर इसका मेन वर्ब यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी इसका हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड लेटेड और फिर उसके बाद बाई लगाकर क्या लगा देंगे, यू, यू का हम यू में ही चेंज करेंगे, यह हमारे यहाँ पर हो जाएगा यू। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे, ही विल नॉट राइट ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखेगा, यानी कि इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रख लेंगे यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ए लेटर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए लेटर, फिर उसके बाद हम क्या लगे इसी के अनुसार हम इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा विल, विल हो जाएगा यानी विल, और यहाँ पर हमारा निगेटिव भी दे रहा था, विल और बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे यानी कि यहाँ पर नॉट हो जाएगा और बी यानी विल नॉट वी, यानी विल और नॉट के बीच विल और बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर दिए। और ये हाँ राइट, राइट का हम थर्ड फॉर्म रखेंगे यानी कि इसका हो जाएगा रिटेन, यहाँ पर हम लिख देंगे रिटेन बाई और ही को हम क्या करेंगे, ही को हिम में बदल देंगे
यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा हिम, यानी कि ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी, यानी कि एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे, यू विल नॉट रीड हिंदी, यानी कि तुम हिंदी नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखेंगे विल के साथ नॉट का प्रयोग हुआ है, यानी कि इसको हम कैसे बनाएंगे देखेंगे, इसमें देखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम रख लेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा हिंदी, यानी कि हिंदी, और हिंदी आपका हो गया, यानी कि इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी एक सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे विल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर आपका नॉट हो जाएगा। और नॉट बी, यानी जब हमारा निगेटिव रहेगा तो विल और बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी हिंदी विल नॉट बी। और फिर रीड का हमारा थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, यानी कि हिंदी विल नॉट बी रीड फिर बाई यू, यानी हिंदी विल नॉट बी रीड बाई यू, हिंदी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, विल ही राइट ए लेटर, यानी कि क्या वह एक पत्र लिखेगा। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो विल और शैल को सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा विल, हमारा विल सबसे पहले निकल के आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा विल, फिर उसके बाद ही, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा विल और फिर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, यानी कि ए लेटर वी, और राइट का हमारा थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा रिटेन बाई, और ही को हम हिम में बदल देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा हिम, और इंटरोगेटिव वर्ड का मार्क लगा देंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, यानी हु विल टियर द बुक्स, यानी कि किताबें कौन फाड़ेगा, यानी कि हु विल टियर द बुक्स, यानी किताब कौन फाड़ेगा, यानी इसको हम कैसे बनाएंगे, यानी कि इसको सबसे पहले हम बाई हुम से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई हुम विल द बुक्स, फिर उसका बी फिटियर, यानी कि टर्न हो जाएगा, यहाँ जगह टर्न और इंटरोगेटिव वर्ड का मार्क लगा देंगे, यानी कि हु विल टियर द बुक्स, किताबें कौन फाड़ेगा, या बाई हुम विल द बुक्स बी टर्न, यानी कि किताबें किसके द्वारा फाड़ी जाएगी। सो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा यही एंड तक था, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। अगर आपने हमारे वीडियो से कुछ भी नॉलेज पाया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से हेल्प मिल सके, यानी पैसिव वॉइस का फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के बारे में। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।